अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राजपूत डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां अगर एक बार शादी हो जाए तो फिर डिवोर्स नाम का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा मुल्क है जहां अगर आप परिंदों को दाना डालते वक्त पकड़े गए तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा? वो कौन सा मुल्क है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते? इन सभी अनोखे लॉ को जानने के लिए आपको रहना होगा इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क के कानून के मुताबिक यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि इनको गवर्नमेंट्स के अप्रूव्ड नामों में से ही अपने बच्चे का नाम रखना पड़ता है। बड़ा अजीब कानून है। नंबर दो, वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सिटी पूरी दुनिया में चर्चिज और म्यूजियम की वजह से मशहूर है। ये दुनिया में एक वाहद एस्टेट है जहां पर शादी के बाद तलाक नहीं हो सकती। इनकी डिक्शनरी में डिवोर्स जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है। यहां लोग शादी से पहले 100 मरतबा सोचते हैं, क्योंकि यहां एक बार शादी हो गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। नंबर तीन, इटली। यूरोप के इस खूबसूरत शहर को कौन नहीं जानता? इटली के शहर विनस का एक अनोखा कानून सुनकर आप भी मेरी तरह जरूर हैरान हो जाएंगे। विनस में परिंदों के खाने वाला दाना बेचना या फिर खरीदना इलीगल है। विनस में बेशुमार कबूतर पाए जाते हैं, लेकिन कबूतरों को दाना डालते अगर कोई पाया गया तो इसे कम से कम $100 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नंबर चार, सुमैया। सुमैया एक छोटा सा मुल्क है जो असल में एक आइलैंड है। सुमैया के कानून के मुताबिक अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की बर्थडे भूल गया तो इसे सजा दी जाती है। सुमैया में हस्बैंड अपनी वाइफ की बर्थडे के एक महीने पहले ही अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लेते हैं, ताकि इनकी बीवियों को गवर्नमेंट से कंप्लेन करने का कोई भी मौका ना मिले। दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर ये कानून पाकिस्तान में नाफज कर दिया जाए तो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हस्बैंड की कंप्लेन आए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर पाँच, रशिया। रशिया के शहर मास्को में सड़क पर गंदी गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर कोई मास्को में गंदी गाड़ी चलाते पकड़ा जाए तो इसको ना सिर्फ जुर्माना अदा करना पड़ेगा, बल्कि इसको जेल भी हो सकती है। नंबर छः, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आम शख्स अपने घर का खुद बल्ब चेंज नहीं कर सकता। इस छोटे से काम के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में सर्टिफाइड बंदे को हायर किया जाता है। नंबर सात, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, अनोखे कानून की बात की जाए और नॉर्थ कोरिया का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने जीन्स पहनी तो उसको सीधे मार दिया जाता है। जी हाँ, जीन्स पहनना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना या फॉरेन लैंग्वेज में मूवी देखना नॉर्थ कोरिया में सख्त गुनाह समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया किम योंग अन और इनकी फैमिली के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना मुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की सर्विस मौजूद नहीं है, वहाँ सिर्फ इंट्रानेट मौजूद है, जिस पर सिर्फ लिमिटेड वेबसाइट इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। नंबर आठ, जापान। जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो, वहाँ जापान हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चलता है। जापान में रेस्टोरेंट के अंदर स्मोकिंग करना लीगल है, जबकि बाहर सड़कों पर स्मोकिंग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। और सड़कों पर खुले आम अल्कोहल पीना लीगल है। और साथ ही साथ जापान में मोटा होना भी जुर्म है। मर्दों के लिए 35 इंच वेस्ट और औरतों के लिए 35.5 इंच वेस्ट अलाउड है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा लॉ आपको सबसे अजीब लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।